हेलो गाइस, दिस इज स्वाति और मैंने मूवी देखी डिलीवर अस फ्रॉम इवल। ये मूवी मैंने तीन कारणों से देखी। एरिक बाना थे इसमें, उनकी एक्टिंग मुझे पसंद है। सेकंड, ये नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड हो रही थी। थर्ड, ये एक हॉरर मूवी है, तो ये सारे मेरे लिए बहुत पॉजिटिव फैक्टर थे। मैंने सोचा अच्छी होगी मूवी, देख लेते हैं। रेटिंग भी ठीक ठाक थी IMDb में, 6.2। तो देखिए, 2014 की बनी हुई मूवी है और मैंने अभी इसमें इस ईयर में देखी, और इस कंसेप्ट पे बहुत सारी मूवी बन चुकी हैं। तो उस समय के लिए भले ये नया टॉपिक हो और रेलिवेंट हो, बट अभी मुझे ऐसा कुछ नया नहीं लगा इसमें। इसमें एरिक बाना एक पुलिस ऑफिसर हैं, उनकी जर्नी दिखाई गई है, किस तरीके से वो एथीस्ट हैं एट प्रेजेंट, क्योंकि उनका कुछ ट्रबल्ड पास्ट है जिससे उनका भगवान से विश्वास हट गया था। अभी वो एट प्रेजेंट एथीस्ट हैं और उनके अंदर कुछ साइकिक एबिलिटी टाइप की दिखाई गई है, जैसे वो जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनको ये सेंस कर लेते हैं, और वो सीरीज़ ऑफ चीज़ों की वो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, सीरीज़ ऑफ केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, जिसमें उनको कुछ लिंक्स दिखाई देने लगते हैं, और धीरे धीरे उनको पता चलता है कि वो सारे केसेस एक बड़ी चीज़ से रिलेटेड हैं, और वो सब चीज़ एक आदमी पर पॉइंट कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है वही आदमी सबको कुछ चीज़ ऐसा करके, कुछ ट्रिगर करके, कुछ उन सबको मोटिवेट कर रहा है वो सारे क्राइम्स करने में। फिर वो उस आदमी तक पहुंचते हैं। वो आदमी को बहुत थोड़ा भयानक दिखाया गया है। इसमें एक इंसिडेंट होता है जिसमें एक मदर अपने बच्चे को फेंक देती है शेर के जू वाले में, जो शेर वाला केज होता है वहाँ फेंक देती है, वहाँ पर भी वो आदमी प्रेजेंट होता है। एक आदमी अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा मारता पीटता है अपने घर में, बहुत ज़्यादा उसके एक तरीके से कहें स्टार्टिंग में सीन आता है, मरने तक मारता है उसको, तो वो भी उसी आदमी से रिलेट होता है। उसके घर में भी उसके सिंबल्स कुछ मिलते हैं। तब पता चलता है कि ये तीनों एक इराक में वो थे, आर्मी में थे उस समय इराक में, और एक कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिससे जो एक पर्सन था उसका दिमाग ख़राब हो गया था, और वो सबको इफ़ेक्ट कर रहा है। तो धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचते हैं। वो उनकी फैमिली में भी वो इन्वॉल्व हो जाता है। इनकी फैमिली जो होती है वो डिवोर्टेड, इनकी जो वाइफ होती है और एक बच्ची होती है, तो इनकी वाइफ तो हर चर्च वगैरह जाती हैं, डिवोटेड क्रिश्चियन होती हैं, लेकिन ये तो इस समय एथीस्ट है, नहीं मानते इन सब चीज़ों में। तो किस तरीके से ये अपने फेथ को रीडिस्कवर करते हैं वो इस मूवी में दिखाया गया है। यहाँ पर उनके फेथ रिवाइवल में जो डिमोनिक चीज़ें दिखाई गई हैं कि किस तरीके से एक डीमन है जो, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था, तो इनकी बॉडी थोड़ी सेंसिटिव है, साइकिक इनकी एबिलिटी, तो इन पर कब्जा करना चाहता है, और उनका वो जो गिल्ट है जो इन्होंने कभी किया था, वेंजेंस लिया था, उसकी थ्रू इनके अंदर जाना चाहता है। तो वो डीमन एग्जैक्टली इनकी बॉडी पर कैसे कब्जा करना चाहता है, वो चीज़ उसमें डीमन के का पर्पस है, और ये किस तरीके से अपने फेथ को रिवाइवल करते हैं वो इनका जर्नी दिखाई गई। इसमें एक फ्लॉड कैरेक्टर और आते हैं जो एक प्रीस्ट बने हैं, उनका भी एक ट्रबल्ड पास्ट है, तो वो इनको हेल्प करते हैं अपने एंड तक जाने के लिए। तो वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। इसमें एक चीज़ है कि पेगनिज्म को ये लोग एज अ डिमोनिक एक्टिविटी लेते हैं, उसके थ्रू इनका फेथ रिवाइवल किया गया है। बोलते हैं कि पेगनिज्म अच्छी चीज़ नहीं है, जो सिंबल्स या जो पेगन गॉड्स होते हैं उनको हमेशा ही डिमोनिक चीज़ों में इन्वॉल्व बताते हैं, और जो द डोर्स का जो सॉन्ग था उसको भी ये लोग सेंस ऑफ परसेप्शन करके था, डोज ऑफ परसेप्शन करके था, तो उसको ये डिमोनिक चीज़ों से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि जब भी वो गाना बजता है या वो गाने का सिंबल डीमन से कुछ रिलेट कर रहे हैं, वो मुझे नहीं पसंद आया। क्योंकि अगर आप अच्छे से इसको समझेंगे तो वो सॉन्ग अद्वैत फिलोसफी की से रिलेटेड है, और उसको डीप में आप गाना भी सुने, और जिसको जिसने लिखा था उसको, उसकी भी अगर आप इन डेप्थ एनालिसिस करें, फिलोसफी देखें, तो वो अद्वैत से रिलेटेड है, तो वो चीज़ मुझे नहीं पसंद आई। बाकी एक क्लास, एक जो क्लीशेड हॉरर मूवी होती है, इससे बहुत अच्छी मूवी आपको रोज़मेरीज़ बेबी मिल जाएगी, एग्जॉर्सिज्म वाली रोज़ मिल जाएगी, बहुत सारी मूवीज़ ऐसी एग्जॉर्सिज्म वाली जो आपको मिल जाएगी, बट बेसिक उनमें यही रहता है कि डीमन पेगनिज्म से या किसी तरीके से सिंबल से रिलेटेड रहते हैं। स्टिल एक बिलो द एवरेज मूवी मैं कहूँगी। मैंने इतना कम एक्सपेक्ट नहीं किया था एरिक बाना वाली मूवी से, मुझे लगा था वो अच्छी स्क्रिप्ट सेलेक्ट करेंगे। सो इट्स अ बिलो एवरेज हॉरर मूवी, दैट्स इट, बाय बाय।